तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन से, जी ऑफ एक्स अपन को ये दे रखा है और फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो ये अपन को दो प्रॉब्लम्स का आंसर देना है। तो सबसे पहले तो एफ डैश वन निकालना है और फिर एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन को दे रखा है वो ये दे रखा है यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से लिख सकता है। ये तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता है, तो ई रेस टू पावर माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर जी ऑफ एक्स अपन को यहाँ से दे ही रखा है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो जो अपना ये है ये क्या आ जाएगा, वाई मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स 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 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और भी लिख दे, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स। और यहाँ पे चेक करें कि जो एफ ऑफ जीरो है उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो दे रखी है। तो यहाँ पे अगर अपन एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो वाई इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर ये सी की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी। तो जो अपना वाई है वो यहाँ से आ जाएगा सिंपली एक्स एक्स माइनस वन एंड यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन। और अब अपन को एफ डैश वन निकालना है, तो इसको अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये यहाँ पर टू एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आएगा एक्चुअली, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर 2x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अपन को x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, सो यहाँ पे हाफ आ जाएगा अपने पास। सो इसकी वैल्यू अपने पास हाफ आ गई। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इसमें तो बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हाफ। और यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय दिस इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट निकालना है, तो अपन को जो कर्व दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू अपने पास एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो इसके दो रूट्स है, एक तो जीरो है और एक वन है। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पर इस जीरो टू वन के बीच में नेगेटिव रहेगा और बाकी पार्ट में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी जो जहाँ पर जाके ये मतलब ऐसे, यहाँ पर ये थोड़ा गलत बना दिया, तो यहाँ पर ये ऐसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं तो ये सैचुरेट करेगा वहां पर, मतलब यहाँ पर वो इधर यहाँ पे ये ऐसे टर्मिनेट करेगा इस टाइप का, तो इस रीजन में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपन को फर्स्ट एंड जो इसके एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस के द्वारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एरिया है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी यहाँ पे बात कर रहा है। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर अपन चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स का जीरो टू वन तक अपन को इंटीग्रेशन करना है। सो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स फ्रॉम जीरो टू वन, यहाँ पर इसको ऐसे लिखूंगा। तो अब इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मेरे पास वन डीएक्स बन जाएगा और माइनस में मेरे पास बन रहा है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। इसको भी दो पार्ट में कर लेते हैं, लिमिट मेरे पास जीरो टू वन है, ये सभी जगह लिमिट जीरो टू वन है। तो यहाँ पर मेरे पास तो ये एक्स बन जाएगा और यहाँ पर ये मुझे पता है ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं यहाँ पे टी मान लू, तो ये मेरे पास टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डी एक्स की जगह ये मेरे पास इंटीग्रल डी टी बाई टू टाइम्स टी हो जाएगा। तो ये एल एन ऑफ टी और डिवाइड में यहाँ पे टू, और लिमिट मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिमिट चेक करूँ तो वन से टू तक आ जाएगी ये लिमिट। यहाँ पर मेरे पास ये लिमिट जीरो टू वन है और ये तो मेरा टेन इनवर्स एक्स होता ही है, तो ये लिमिट जीरो टू वन है। तो यहाँ पे ये वन आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू आएगा, एल एन वन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और ये यहाँ पे फाइव बाई फोर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपना आंसर चेक करूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, तो वन माइनस एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू माइनस ऑफ फाइव बाई फोर। तो वन को मैं एल एन ऑफ ई लिख सकता हूँ, तो एल एन ऑफ ई और ये यहाँ पे रूट टू हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एल एन ऑफ
ई डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस ऑफ पाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो इसको तुम यहाँ पर, तो ऑब्वियसली एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अपन को इसका क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मोड्यूलस लेना पड़ेगा। तो ये पाई बाय 4 माइनस ऑफ एल एन ऑफ ई बाय रूट टू आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक मत कर देने, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अपन ने इसका मोड्यूलस लेने के बाद इस तरीके से आ गया। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।